एक बार मैं एक इंस्टीट्यूट में पहुंचा। इट वॉज अ इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वहां पर प्रेजेंटेशन था और जब हम लोग डीन के साथ बैठे थे तो स्टूडेंट्स आए और कहा कि स्वामी जी आपका लैपटॉप दे दीजिए, हम लोग सेटअप कर देते। तो वो ले गए और सेटअप करने लगे। 10 मिनट बीती, 15 मिनट बीती, 20 मिनट बीत गई। प्रेजेंटेशन का टाइम अप होने लगा तो हम लोगों ने चर्चा करी, चलिए। बोले हाँ बस 2 मिनट, 2 मिनट, अरे बस 2 मिनट, अरे बस 5 मिनट। मैं बोले एक काम करिए, चलो देखते हैं क्या है। बिकॉज वी रियलाइज देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। वहां पहुंचे, वहां पर चार पांच लगे हुए थे एक्सपर्ट्स। गए हम, कुछ भी क्या हुआ? बोले हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन पता नहीं क्या करें, बताओ आ ही नहीं रहा है उस पे। यहां चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, जो आपका कंसोल है उस पे चल रहा है, वही नहीं आ रहा है। ठीक है स्वामी जी, अब क्या, अब हम बिना उसके कर लेंगे, उसके कर लेंगे ना। हाँ बोले, यानी आपको हम टीवी पे, बोले नहीं आप ये सब छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। तो एक लड़की बोली, स्वामी जी एक बात बताओ, हम लोग आपका लैपटॉप लेके आए, उसके पहले हम लोगों ने चर्चा करी कि कोई आ रहे हैं साधु संत टाइप, ठीक है ना, क्या ज्यादा से ज्यादा कितना कॉम्प्लेक्स होगा, हम तो सब इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। स्वामी जी ये क्या हुआ, उसका प्रश्न था। और वो लोग सब रियली इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड्स एकदम हैरेस्ट हो गए थे, एकदम अनईजी हो गए थे, एकदम दुनिया हिल गई थी उनकी। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी नामी कॉलेज कंप्यूटर सेक्शन में, यानी एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमबीए स्टूडेंट्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के एक छोटा सा लैपटॉप को कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन नहीं चला सकते। बोले स्वामी जी नाक कट जाएगी। बोले आप चिंता मत करो, मैं कोई किसी की नाक नहीं काटने आया हूं और कटने भी नहीं दूंगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि हम ये करने वाले थे, हम ये कर लिए। वो लड़की ने पूछा, स्वामी जी यू आर नॉट अनईजी, क्या आप कैसे करेंगे? बोले नहीं, सब बैठ गए। बोले पता नहीं ये क्या करेंगे, अब उनके सामने तो कुछ है नहीं, अब कैसे होगा। तो उस समय बच्चों को एक चीज याद कराई, देयर इज वन थिंग कॉल्ड मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग Exactly when you do not want it to go wrong. Anything that can go wrong means what could have gone wrong? Ke presentation nahi chalega. Okay? Anything that can go wrong will go wrong. Yani wo nahi chalega. Exactly when you do not want it to go wrong. भाई नॉर्मल केस में आप घर में कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं चला, ठीक है, कुछ हिच आ गया, कुछ हैंग हो गया, कुछ वायर में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। लेकिन यू विल से सब यहां सब तो ठीक है, जब ऑडिटोरियम में हो तब तो नहीं होना चाहिए। बट मर्फीज लॉ सेज एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एग्जैक्टली व्हेन यू डू नॉट वांट इट टू गो रॉन्ग। यानी आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज इस समय खराब होगी, उसी समय वो खराब होगी। इसके लिए जो तैयारी करके आता है ना, वो कभी विचलित नहीं होता, वो मस्त रहता है, क्योंकि उसने सोच लिया है कि जो चीज मुझे लगता है कि यहां खराब हो ही नहीं सकती, वहीं जाके खराब होगी। उस समय अगर तैयारी है तो व्यक्ति विचलित नहीं होगा, मस्त रहेगा। आप एग्जाम देने गए, आपकी फेवरेट पेन है, आपको उससे पेपर लिखना है,
लेकिन हम लोग सबने एक्सपीरियंस किया है कि एज सून एज यू स्टार्ट टू राइट, इंक खत्म, उसमें दिख रही है इंक है लेकिन वो खचखच अब अमल नहीं चलेगी वो. इफ यू आर रेडी फॉर दैट सिचुएशन, यू व्हाट यू डू इज यू कीप दैट पेन, टेक अनदर वन एंड स्टार्ट राइटिंग. बट इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट सिचुएशन, यू कीप स्ट्रगलिंग विद दैट पेन रादर देन जस्ट कीप इट एट वन साइड एंड स्टार्ट राइटिंग. क्यों? तैयारी नहीं थी. माँ ने एक सूत्र दिया है, तैयारी करो तकरार नहीं, तैयारी करो तकरार नहीं, तैयारी होनी चाहिए. ये पेन नहीं चलेगी, साइड में रख दो, दूसरी लेके शुरू हो जाओ. इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग आफ्टर दैट कि भाई ये क्यों नहीं चलती, ऐसा हो गया ना, मेरे फेवरेट पेन थी, अब मैं कैसे लिखूंगा. नहीं, तकरार मत करो, तैयारी करो. ये पेन है, मर्फीज लॉ अप्लाई होता है, आज ये नहीं चली कोई टेंशन नहीं, साइड में रख दिया, दूसरी ली, शुरू हो गए. तो जीवन में जो व्यक्ति इस लॉ को अप्लाई कर लेता है अपने लिए कि मैं कुछ करना चाह रहा हूं या करना चाह रही हूं, मैंने ये टारगेट किया है, मैं ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, मेरा पूरा सेटअप है, लेकिन फिर भी अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई तो ये ठीक होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा, नहीं भी हुआ एंड टाइम पे प्रॉब्लम आ गई, एंड टाइम पे माइनस हो गया, एंड टाइम पे चूक हो गई, एंड टाइम पे नहीं चला, नो टेंशन. मगर जो होते हैं ना आध्यात्मिक क्षेत्र वाले जो होते हैं ना, वो तो उसमें भी हंसने लगते हैं. क्यों? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह हुआ है और यूं भी वाह हुआ है. यही है मर्फीज लॉ, चला वाह वाह, नहीं चला अरे वाह, अपने फ्रीडम से बोलने मिल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं. तो हर व्यक्ति को, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे मिक्स वाला व्यक्ति हो, उसको अपने जीवन में ये उतारना बहुत जरूरी है कि जो भी होगा बहुत बढ़िया है, हो गया बहुत अच्छा है, एन मौके पे नहीं हुआ विचलित नहीं होना है. यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. बस उस समय याद करना चाहिए, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एग्जैक्टली व्हेन यू डू नॉट वांट इट टू गो रॉन्ग. मर्फीज लॉ को जीवन में उतार के हम लोग बहुत प्राप्त कर सकते हैं, बहुत शांति ला सकते हैं. वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, हलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय.